कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय जय जसोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय ब्रज जन रंजन जय जसोदानंदन जय रंजन। जय जसोदा जीवन जय ब्रज जन रंजन। जय ब्रज जन रंजन रवन चारी। जय कुंज विहारी। जय जामुन रवन चारी जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्य नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपायक सिंधु लावण्य सिंधुर समूर्ति रस खेल सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदि खेल सिंधु। श्री वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग दो दिन पहले श्रवण किया था कैसे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु व्यास पूजा श्री व्यास पंडित जी के घर में उन्होंने अनुष्ठान किया है और व्यास पूजा में श्री नित्यानंद प्रभु को बोले बोले नित्यानंद प्रभु अभी समय हो गया व्यास पूजा की, इसलिए क्या करो अभी तुम व्यास की पूजा करो व्यास की तुम पूजा करो। जब बोले इतने में
नित्यानंद प्रभु अपना सिर को हिला रहे थे। बोले सिर क्या हिला रहे हो, व्यास जी को पूजा करो। इतने में नित्यानंद प्रभु जो माला था उन्होंने श्री मन चैतन्य महाप्रभु को गला में उन्होंने डाला है। कहते उनके गले में क्यों डाला था, कोई बोल सकता हो क्यों डाले है? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, कहते कृष्ण है ते चतुर्मुख हन कृष्ण सेवन मुख ब्रह्म है ते नारद रमत। इसलिए जो गुरु, जो गुरु का जो मूल परंपरा वो कहाँ से है, भले भगवान कृष्ण से ही। कृष्ण ने दिव्य ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी वो ज्ञान श्री नारद जी को दिया, नारद जी फिर वो ज्ञान उन्होंने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने फिर उसी ज्ञान को सुखदेव गोस्वामी को दिया। इसलिए मूल ज्ञान कहाँ से आया, भगवान कृष्ण से ही आया है। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था, बोले यथा तरोर मिलन निसजन तृप्त स्कंद भूज उपसक। जैसे पेड़ का जड़ में पानी देने से उसकी सारे पेड़, उसकी फल फूल सब के सब हरा भरा रहती हैं, उसी तरह जैसे प्राण में आहार देने से सारे इंद्रियां सब के सब संजीवित और पूर्ण रहती हैं, काम करती हैं। उसी तरह जब भगवान कृष्ण को जब हम उपासना करते हैं, इसलिए कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है। कहते व्यास देव कौन है, उसने व्यास पूजा करना है, इसलिए व्यास देव कौन है, बोले भगवान कृष्ण का सत्यावेश अवतार है। इसलिए जब श्रीमन महाप्रभु को पूजा कर दिया, फिर क्या हुआ, उनका अंदर में सब कुछ, नित्यानंद प्रभु भी उनका अंदर में, उनका अंदर में बलदेव प्रभु भी है, उनका अंदर में विश्व ब्रह्मांड उनका अंदर में। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो माला को उन्होंने श्री मन महाप्रभु के गला में ही उन्होंने माला को उन्होंने प्रदान किया। और दूसरा शिक्षा देते हैं, कहते हैं जगत में है, जगत में ऐसे कुछ गुरु तत्व है, गुरु वर्ग जो ऐसे कुछ संप्रदाय है जो भगवान भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। इसलिए गुरु जी को ही ब्रह्मा, गुरु जी को ही विष्णु, गुरुदेव के ही महेश्वर मानते, बोले नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, भैया गुरु कौन बनने का लायक है, गुरु कौन बन सकता है, हैं? बोले नित्यानंद प्रभु कौन है, कहते नित्यानंद प्रभु कृष्ण से अभिन्न श्री नित्यानंद प्रभु, लेकिन होते हुए भी वो कर रहे हैं क्या, कहते संपूर्ण कृष्ण सेवा कर रहे हैं, कृष्ण सेवा कर रहे हैं। इसलिए गुरु जी का काम क्या है, गुरु जी का काम है भगवान का चरण, इसलिए उनका नाम गुरु। बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधः। गुरु का काम क्या है, गुरु का काम ये है भगवान का चरण तक जीव को पहुंचानी चाहिए, ऐसे नहीं बीच में सब कुछ हड़प ले, बीच में ही सब कुछ हड़प लेना ये गुरु जी का काम नहीं। इसलिए सदा रत जिनी विग्रह सेवने श्रृंगारादि आर मंदिर मार्जने करेन नियुक्त अनुगत जने बंदी से गुरु चरण कमर। गुरु का काम ये है स्वयं भगवान की भक्ति करे, ठाकुर जी का सेवा करे और उनको अनुग व्यक्तियों को ठाकुर जी को सेवा में ही लगाए, उनको भगवान की भक्ति की उपदेश करे। इसलिए कहते जैसे नारद जी, उन्होंने ध्रुव जी को किसका मंत्र दिया है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारद जी वाल्मीकि को क्या मंत्र दिया है, भगवान राम का ही नाम जप करने के लिए, बोलो राम, बोलो बोलो राम, बोलो राम। इसलिए उन्होंने नहीं बोले मेरे की पूजा करो, उन्होंने ये नहीं बोले मेरे पूजा करो। इसलिए जगत में इस बहुत अपसंप्रदाय है जो भगवान की भक्ति की कोई उपदेश नहीं देते, उनका मंदिर में जाओ गुरु जी का ही फट देखो, भगवान भगवान कुछ है, कोई भगवान भगवान नहीं है। इसलिए सब गुरु जी नहीं, ये जो लोग है ना है, ये लोग बड़े दुष्ट लोग है, ये बड़े दुष्ट लोग हैं।
ಹೇಳಿಕೆ ಗುರವ ಭವ ಸಂತಿ ಶಿಷ್ಯ ಪಿತವ ಹರಕ ದುರ್ಲಭ ಸದ್ಗುರು ದೇವಿ ಶಿಷ್ಯ ಸಂತಾಪ ಹರಕ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಜಿ ಕತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಜಗತ್ ಮೇ ಗುರು ಹೇ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಆಸನ ಪರ ಬೈಠ ಕರ್ಕೆ ಸಾರೆ ಸೇವಾ ಲೂಟನೆ ವಾಲೆ ಲೇಕಿನ ದುರ್ಲಭ ಸದ್ಗುರು ದೇವಿ ಶಿಷ್ಯ ಸಂತಾಪ ಹರಕ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಮೇ ಐಸೆ ಗುರು ದುರ್ಲಭ ಹೇ ಜೊ ಜೀವ ಕಾ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಕೋ ಹರಣ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಭಜನ ಮೇ ಲಗಾನೆ ವಾಲೆ ಗುರು ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಛಲಿ ಬಾರ ಹಮ ಲೋಗೋ ನೇ ಯೇ ಶ್ರವಣ ಕಿಯಾ ಥಾ ಅಭಿ ಕಹ ರಹೇ ಹೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕಾ ತತ್ವ ಕೋ ಕಹ ರಹೇ ಹೇ ಬೋಲೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪೇರ ಸ್ವಭಾವ ಸರ್ವಥಾ ಬೋಲೆ ತಿಲಾರ್ಧೆ ಕ ದಾಸ್ಯ ಭಾವ ನಾಹೈ ಅನ್ಯಥಾ ಕಹತೆ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕಾ ಕ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವ ಹೇ ಇನ್ಕಿ ಸ್ವಭಾವ ಯೇ ಸ್ವಭಾವ ಹರ ಸಮಯ ತಿಲಾರ್ಧೆ ಕ ದಾಸ್ಯ ಭಾವ ನಾಹೈ ಅನ್ಯಥಾ तिलार्ध को दास्य भाव ना है अन्यथा तिलार्ध का मतलब होता है तिल मतलब होता है तिल उसके अर्ध भाग मतलब क्या है थोड़ी समय के लिए भी भगवान की दास्य भाव भी नहीं भूलते थे इसलिए ईश्वरीय सेवा बिना नाही जाने आर कर बलदेव प्रभु ईश्वर की सेवा छोड़ करके और कुछ ये नहीं जानते थे केवल भगवान की सेवा को ही जानते थे इसलिए उदाहरण देते हैं लक्ष्मण जी भावे सीता राम सेवा करी जैसे लक्ष्मण उन्होंने क्या किया है सीता राम की उन्होंने जिंदगी भर सेवा की इसलिए किसी रामायण में आती है बोले जिस समय मेघनाथ की वध करने का समय आया बोले भैया मेघनाथ को कौन वध कर सकता है कहते मेघनाथ को सब नहीं मार सकते बोले जो व्यक्ति 14 साल तक सोया नहीं जो व्यक्ति 14 साल तक खाया नहीं जो व्यक्ति कभी 14 साल तक जिसने किसी स्त्री का मुंह कभी नहीं देखा कभी वही व्यक्ति ये मेघनाथ को मार सकता है हैं? इतने में लक्ष्मण बोले मैं ये काम को मैंने किया है क्योंकि जिस समय भगवान राम विश्राम करते थे लक्ष्मण कभी नहीं सोते थे लक्ष्मण हर्ष में जगे रहते थे हैं? हर्ष में जगे रहते थे लक्ष्मण इसलिए माया भी आई थी है लक्ष्मण के पास में माया भी आई थी उनको मुक्त करने के लिए लेकिन उनके लक्ष्मण का उन्होंने कुछ नहीं कर पाए उन्होंने माया देवी ने लक्ष्मण से उन्होंने राम नाम उन्होंने दिया है माया देवी और किसके पास में आए थे हरिदास ठाकुर जी के पास में आए थे इसलिए हरिदास ठाकुर से उन्होंने कौन सा नाम लिया उन्होंने कृष्ण नाम लिया लक्ष्मण से उन्होंने राम नाम लिया और उन्होंने कहते श्री हरिदास ठाकुर से उन्होंने कृष्ण नाम को ग्रहण किया है माया को उन्होंने जीता है इसलिए कहते उन्होंने सोए नहीं इतने में खाए नहीं रामचंद्र ने बोले तुम खाए नहीं कैसे मैंने तो तुम जब जंगल से फल लाते थे हम भोजन करने के बाद हम तुमको दोने में हम दिया तुमको दोने में तुम्हें कंदमूल हमने फल दिया है तुम्हें तो खाया नहीं बोले नहीं खाया बोले प्रमाण किया है बोले जहां जहां पर आपने दिया था ना अभी वो पेड़ गोबर में सब रखा हुआ है वहीं पर बोले प्रमाण बोले हनुमान को भेजो देखो सचमुच से जहाँ जहाँ पर गए जितना दिन के लिए वो दोनों में फल को पूरा के पूरा वहीं पर रखा हुआ मिला है रखा हुआ उन्होंने मिला है सोए नहीं और खाए नहीं और उन्होंने कभी स्त्री का मुंह ही नहीं देखे बोले तुम सीता जी को साथ में 13 साल तक थे 8 साल में सीता जी हरण हुई है बोले तुम स्त्रियों का मुंह देखा नहीं कैसे बोले हर समय मैंने सीता जी के चरण को दर्शन करता था इसलिए जिस समय रावण ने सीता को उठा करके ले गया और जाते समय सीता ने क्या किया उन्होंने किस कपड़े में कुछ अलंकार को बांध करके उन्होंने फेंका और सीता देवी ने क्या बोले अगर मेरे पति आए तो बोल देना रावण ने मुझे उठा करके लंका ले गया है उठा करके ले गया और जिस समय ये अलंकार को हनुमान और सुग्रीव को मिला और राम को साथ में जो भेंट हुई बोले देखो हमें कुछ अलंकार मिला हुआ था देखो तो किसके तो उन्होंने लक्ष्मण को पूछे देखो तो किसके बोले मैं केवल उनकी चरण के जो पायल हैं जो नुपुर है केवल आप पहचान सकते क्योंकि मैंने कभी सीता जी की चरण को छोड़ करके कभी भी उन्होंने मुंह का मैंने दर्शन नहीं किया चरण को ही दर्शन किया है इसलिए उन्होंने केवल नुपुर को उन्होंने पहचान इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं लक्ष्मण जिभाव सीता राम सेवा कर लक्ष्मण उन्होंने कैसे उन्होंने जीवन दे करके राम के परछाई जैसे रह करके परछाई जैसे रह करके उन्होंने क्या किया
पूरा के पूरा उन्होंने राम की उन्होंने जैसे सेवा किया है, हर समय उन्होंने राम की उन्होंने सेवा किया और ऐसे सेवा की हैं, ऐसे सेवा की हैं, उन्होंने ऐसे सेवा की उदाहरण देते जिस समय उनकी रुचि परीक्षा हो रहा था, नहीं जिस समय उनको अन्न प्राशन हो रहा था, अन्न प्राशन में ठाकुर जी को भोग लगा करके खीर उन्होंने राम को खिलाए देते हैं खीर। लेकिन उस समय नियम होता है चर्व चुस्य लेचपे, चार तरह का चीज देनी चाहिए है, उसमें की कसीला भी होता है, खट्टा भी चीज होता है। जब उन्होंने राम को उन्होंने मीठा दिया, उन्होंने तो मीठा को उन्होंने बड़े आनंद से बच्चे खाते, लेकिन जब उन्होंने थोड़ी सी कसीला चीज दिया है ना, थोड़ा कड़वा चीज दिया उन्होंने, पर खट्टा चीज दिया, बच्चे का मुंह थोड़ी सी टेढ़ा हो गया। इतने में लक्ष्मण है, लक्ष्मण देख रहा था, इसने में उनको गोद से छलांग लगा दिया। बोले लक्ष्मण ये चाहते हैं मेरे प्रभु मीठा के बगैर और कुछ खाए ही नहीं, मेरे प्रभु केवल मिठाई मिठाई खाए, मिठाई छोड़कर और कोई चीज नहीं खानी चाहिए मेरे प्रभु। इसलिए इतने राम को थोड़ी सी, अब देखना राम को जिस समय वनवास हो रहा था है, उस समय लक्ष्मण ने पिताजी को कैसे गाली दिया, पिताजी को गाली दिया, बोले बूढ़ी अवस्था में ये स्त्री के वशीभूत होकर के ये बूढ़ी अवस्था में बुद्धि इसका विकृत हो गया, मैं छोड़ने वाले नहीं, धनुष लेकर के हैं अभी मैं विद्रोह करूंगा, हैं मैं विद्रोह करूंगा। और जिस समय उन्होंने जंगल में थे, उसी समय में जब भरत सैन्य सामंत लेकर के आ रहे थे, भगवान राम को उन्होंने वापस ले जा, रामायण देखा कि नहीं, लक्ष्मण ने पेड़ के ऊपर से देखा भरत ले चतुरंगिणी सेना को लेकर के आ रहे हैं, क्या क्रोधित हो गए लक्ष्मण, भला जी जान चला जाएगा, आज मैं प्राण दे दूंगा राम सेवा के लिए, भरत को जान से खत्म कर दूंगा है। राम ने पूछा क्या हो गया, बोले क्या हो गया, क्या भरत आपको देश से निकाल दिया तब भी उसका जी नहीं मिला भरा, फिर सैन्य सामंत को लेकर के आ रहे हैं और आपको जान से मार करके निष्कंट कर रूप में राज्य को भोग करने के लिए। इतने में राम ने कहा सावधान, तुम भरत को नहीं जानते हो, बोले मैं अच्छे तरह से मैं जानता हूँ है, जिसकी मैया इतने कुट है, इतने कुटिल जिसकी मैया है बेटा कैसे होगा। इतने में लक्ष्मण जो क्रोधित होकर कर रहा था ना, इतने में आकाशवाणी हुई सावधान लक्ष्मण, बिना जान बुझ करके कुछ भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सचमुच से उन्होंने भरत का जो भाव को उन्होंने देखा, भरत पानी पानी हो गए। इसलिए कहते जो लक्ष्मण है ना, दो बार इनको ऊपर में शक्ति शैल की प्रहार हुई, उनको ऊपर में उन्होंने नाग फांस बंधन में उनको मेघनाथ ने बांध दिया, दो बार उनको किए हुई। इसलिए उन्होंने राम सेवा के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते ईश्वर रे सेवा बिना नाही जाने आर, उन्होंने ईश्वर के सेवा को छोड़ करके ये कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए पहले हम लोगों ने श्रवण किया था, इसलिए उन्होंने जब रामलीला में है उनको जोर जबरदस्ती इच्छा रही न रहने पर भी सेवक का धर्म का उनको बृहद काम करना पड़ा, इसलिए सीता के लिए चिता सजाना पड़ा और अंतिम समय में सीता जी को उन्होंने वनवास देना पड़ा। उन्होंने क्या सोचा, और मैं कभी छोटा बन करके नहीं आऊंगा, क्या बन करके आऊंगा, बड़ा बन करके आऊंगा। इसलिए उन्होंने दो लीला में बड़े बन करके आए, कौन सा लीला में बड़े बने, इसलिए उन्होंने दो लीला में उन्होंने फिर उन्होंने बड़े बन करके आए, छोटे बन करके नहीं आए, और उन्होंने पूरा जी भर करके उन्होंने इसलिए कृष्ण की सेवा की और नित्यानंद प्रभु श्री महाप्रभु को उन्होंने जी भर कर सेवा की। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कहते श्री नित्यानंद प्रभु है कौन है, कभी ये साधारण नहीं, कभी ये ईश्वर है, सृष्टि स्थिति प्रलय का ये हेतु है, ये सृष्टि स्थिति प्रलय का हेतु। कृष्ण तो कुछ नहीं करते, कृष्ण क्या करते हैं, गोलोक वृंदावन में गोपियों को लेकर सखाओं को लेकर के और मैया जशोदा को साथ में केवल केवल वो मधुर मधुर लीला में मस्त है और कुछ नहीं करते। ये सारे काम कौन करते हैं, बलदेव प्रभु, सारे काम श्री बलदेव प्रभु सारे काम करते, बलदेव प्रभु से हैं, कहते से मूल संकर्षण है, फिर वहां से हैं कौन कौन है, कहते मूल संकर्षण से फिर महासंकर्षण, फिर उससे चतुर्व्यूह है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, उससे फिर संकर्षण से
थर्ड कारण तो कसाई गर्भ तो कसाई खिलाफ दिशाई, इसमें जो कारण तो कसाई विष्णु है वहीं से सारे अवतार वहीं से आते हैं। इसलिए कहते ये सारे को सारे महाप्रभु कृष्ण तो एकदम अपना लीला रस में वो डूबे हुए रहते हैं। सारे काम करने वाले कौन है, ये श्री नित्यानंद प्रभु बलदेव करते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं सारे सृष्टि प्रलय का हेतु है, लेकिन होते हुए भी करते हैं क्या, ये करते हैं क्या? दुई भाई एक तनो समान प्रकाश, दुई भाई केवल देखने में कृष्ण काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे हैं, काले केवल गोरे हैं लेकिन अभिर नहीं, लेकिन होते भी अभी करते क्या, तथापि दास्य रस में डूबे रहते हैं। अभिर न होते हुए भी हर समय अपने आप को दास मानते हैं और प्रति युग युग में उन्होंने दास्य रस रूप में उन्होंने ठाकुर को सेवा किया है। इसलिए इसलिए उन्होंने अन्न पानी निद्रा छोड़ करके उन्होंने राम का चरण के उन्होंने सेवा किया है। इसलिए सेवी आओ आकांक्षा ना पूरे अनुख्यान, ठाकुर को सेवा करते हुए भी तभी उनकी आकांक्षा पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्येष्ठ भाई रूप में आकर के उन्होंने हर समय कृष्ण की सेवा करते थे, हर समय सेवा करते थे। इसलिए कदखेर क्या फिर अनंत रूप में क्या करते हैं, अनंत रूप में अनंत नाग बने हुए जिसको पर भगवान शयन करते हैं, हैं जिनी सेवा विग्रह प्रति। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इसलिए सेवा विग्रह प्रति अनादर नहीं करनी चाहिए, हैं जो सेवा विग्रह है उनको पर में अनादर नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रभु नहीं तो क्या होगा, जैसे श्री दुविध बंदर, दुविध बंदर ने क्या किया, दुविध बंदर ने क्या किया था, दुर्विध बंदर ने क्या किया था, बोलो क्या किया था। इसलिए उन्होंने रामलीला में उन्होंने ये रामलीला में उन्होंने बहुत सेवा सुनी किया, बहुत सेवा की राम की, लेकिन ये सोचता था ये लक्ष्मण हीड़े इसका कुछ है नहीं, ये लक्ष्मण है कुछ भी ताकत नहीं, अरे राम सब कुछ है, राम सब कुछ राम है, है? ये लक्ष्मण पर कोई दम नहीं है। फिर जब फिर रामलीला चला गया फिर उनने नरकासुर और उल्टा पुल्टा संगत में पड़ गया, पड़ करके ना फिर उसका बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो करके फिर धीरे धीरे, क्योंकि जैसे संग में रंग बदलेगा, इसलिए जिस समय श्री बलदेव प्रभु फिर लक्ष्मण जब श्री बलदेव प्रभु रूप में आए, फिर अपना महिषियों को लेकर के जब ये क्रीड़ा विहार कर रहे थे, इतने में द्विविध बंदर ने आकर के जो बलराम प्रभु के साथ में उनका जो पटरानियां थी महिषियां थी उनको ऊपर में उनने गंदी गंदी हरकत कर रहा था। फिर बलदेव प्रभु ने देखा भैया जो कुछ हो उन्होंने रामलीला में उन्होंने सेवा तो किया है, सेवा किया, वो कोशिश कर रहे थे उसको माफ करने के लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा गंदी गंदी हरकत करने लग गया, फिर तो बलदेव प्रभु का सहन नहीं हुआ, उठाया उन्होंने हल को गले में उन्होंने फंसाए और खेचे और मुसल को उठाकर मारे उसका सर पर और वहीं पर उसको चकना चूर कर दिया, उसको चकना चूर कर दिया। इसलिए उसका नाम क्या था, द्विविध। द्विविध मतलब क्या है, द्वि मतलब होता है दो, विध मतलब होता है जानना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो भगवान को तो बड़े आदर करते हैं, हाँ भगवान को तो आदर करते हैं लेकिन उनका जो भक्तों होंगे ना अनादर करते, उनका भक्तों को सम्मान नहीं देते। इसलिए ठाकुर जी को तो आदर करते हैं लेकिन वैष्णव गुरु जी को आदर नहीं करते। दो बीत, दो ही बीत, बस जो उनके दो जानता है, एक नहीं जानकर जो उनको दो समझता है, अलग समझता है, हैं? इसलिए उन्होंने राम का सेवा की, राम को मानता था लेकिन लक्ष्मण को नहीं, बलदेव प्रभु का नहीं, उन्होंने क्या किया, सर को फोड़ कर खत्म करते हैं। इसलिए यहाँ यहाँ पर ये बता रहे हैं, हैं? इसलिए कहते अगर कोई भगवान को सेवा पूजा करे लेकिन भक्तों को अनादर करता है फिर क्या होगा, बोले अपराध। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद श्लोक देते हैं, बोले जेमे जना भक्त जेने जेमे भक्त्या जना पार्थ, श्लोक याद है किसको, किसको याद है ये श्लोक याद करना, जेमे भक्ता जना पार्थ है, जेमे जेमे भक्त्या जना पार्थ न मैं भक्त्यास्ते जना मत भक्ता नांच जे भक्तास्ते
समीजुक्त तमामता। या भगवान स्वयं कहते हैं, कहते ही अर्जुन जे मैं भक्ता जनापार्थ, जो मेरे भक्त है, हैं? लेकिन जो मेरे जब भक्त जनापार्थ न मैं भक्ता चेतना, इसलिए कहते जो जो कहता है मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान के तो मेरा भक्त है ही नहीं, लेकिन असली मेरा भक्त कौन? बोले जो मैं भक्ता जनापार्थ अस्ते मत भक्ता नाच जे भक्त अस्ते, कहते मेरे भक्तों का जो भक्त है, कहते वो मेरे भक्त है, जो केवल मेरा भक्त है ना, मेरा भक्त है नहीं। इसलिए यहाँ पर श्लोक को उदाहरण देते हैं, हैं? इसलिए अहम भक्त पराधीन, बोला हम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव दुजा भक्त 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 जनप्रिय साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिय। इसलिए यहाँ उदाहरण देते हैं हम भक्त पराधीन। इसलिए श्री अम्बरीश महाराज जी कहते हैं, कहते हे अभय कथा दुर्वासा जी को कहते, बोले दुर्वासा तुम मेरे पास में माफी मांगने के लिए आए हो, लेकिन अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों का अधीन हूँ, मैं भक्तों का पराधीन हूँ, मैं अधीन नहीं पराधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र भक्त साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिय। इसलिए साधु लोग क्या किया है, संपूर्ण मेरे हृदय को ग्रास कर लिया है, हैं? इसलिए भक्त भक्त जनप्रिय, इसलिए जो मेरे भक्तों का जो भक्त है, कहते वो मेरे प्रिय है, हैं? इसलिए मैं भक्तों का अधीन हूँ। इसलिए भले इतना प्रिय क्यों, कारण क्या है? यहाँ पर कह रहे हैं भक्त इतने प्रिय क्यों, कारण क्या? बोले कारण है कि ये भक्त लोग मेरे लिए अपना पुत्र परिवार स्त्री पिता माता सबको त्याग दिया, जैसे तुम लोगों ने। भैया कितने प्यारी होती है, पिता माता कितने प्यारे हैं, भाई बहनी कितने प्यारे हैं, है ना? अपना पत्नी परिवार कितने प्यारे होते हैं, छोड़ना आसानी बात नहीं। कहते कोटि जन्म रे थाकिले भाग्य विषय छाड़ी है वैराग्य, करोड़ों जन्म का पुण्य रहने पर तभी ये माया बंधन को कोई तोड़ सकता है, नहीं तो छोड़ना इतने आसानी बात नहीं, इतना आसानी बात नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, हैं? कहते स्वयं भगवान कहते हैं, जानते हो क्यों ही मेरी इतने प्रिय है? मेरे वजह से उन लोग ने अपना घर द्वार मकान दुकान स्त्री पुत्र परिवार को उन्होंने ठुकरा दिया, मेरे वजह से ठुकरा दिया है। बताओ जो मेरे लिए इतना किया, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ, हैं? कैसे छोड़ सकता हूँ? इतने में दुर्वासा जी ने कहा, आप तो भक्तों का केवल अपना भक्तों का पक्ष लेते हो, हैं? केवल आप देख नहीं रहे हो, आप देख नहीं रहे हो ये अम्बरीश ने क्या गलत किया, आपने देखा? आप केवल भक्त 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 का पक्ष ले रहे हो, दुर्वासा केवल अम्बरीश का पक्ष ले रहे हो, उन्होंने गलती भी तो किया, मेरे को निमंत्रण दिया घर में। एक व्यक्ति जब इतना बड़ा ऋषि है, इतने बड़े कौन है, दुर्वासा जैसे इतने बड़े प्रकांड, इतने इतने बहुत बड़े है शंकर जी के प्रकाश हो, कहते मेरे को निमंत्रण दिया, और मेरे को निमंत्रण दिया और मेरे को खिलाए नहीं, मेरे को खिलाए नहीं, वो खुद गा लिया। इनका कोई अपराध नहीं है, इनका अपराध नहीं है। इतने में भगवान कहते हैं, बोले देखो उन्होंने जो किया है ना मेरे प्रति के लिए, उन्होंने किया किसके लिए किया, मेरे प्रति के लिए किया। और उन्होंने खाया क्या, खाया है नहीं, केवल उन्होंने पानी लिया। ये शास्त्र में भगवान के शास्त्र में लिखा हुआ, जो पानी अगर थोड़ा लो तो वो भोजनों के अंदर में गिना नहीं जाता है। बोले शास्त्र पढ़ कर देखो, हैं? शास्त्र ने बताया अगर थोड़ी पानी लो तो उसको भोजन नहीं कहते हैं। और उनने जो कुछ किया मेरे लिए किया है ना, एकादशी मेरा व्रत है, मेरे लिए उनने किया है, मेरे लिए किया। और तुम कहते हो तुम इतने बड़े ब्रह्मर्षि, इतने बड़े जोगी, तुम देखा जिस समय में तुमने कृत्या को राक्षस को भेजा मारने के लिए, वो इधर उधर से टस मस हुआ, वो तो हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ था, जाके राक्षस आईया मार सके ना कोई, बाल ना बांका करे जो जगह पैरी हुई है। इसलिए जिसको भगवान क्या करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए भले ही विश्व ब्रह्मांड उसकी
बहिरी क्यों नहीं हो जाए, विश्व ब्रह्मांड उसके शत्रु क्यों नहीं बन जाए। लेकिन भगवान जिसको रक्षा करते हैं, जहां को रखे हुए अनंत की कृपा रे बलवंत है, कृपा रे बलवंत है। इसलिए कहते उसने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था ना, कहीं इधर उधर भगा था तेरे जैसे, और तुमको देखो, उसको देखो और तुमको देखो, और तुमको सुदर्शन चक्र पीछा भगा तो ब्रह्म लोग है सीम लोग, फिर तुम बैकुंठ लोग भगाया, सारा दुनिया चक्र काट रहे हो, सारा दुनिया चक्र काट रहे हो। बताओ दोनों में फिर कौन भक्त हुए, दोनों में भक्त कौन हुए हैं, किसका अंदर में ज्यादा शरणागति है, किसका अंदर। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ कोटेशन करते हैं, भगवान यहाँ पर कहते बोले जानते हो है तुम्हारी रक्षा समर्थ। इसलिए कहते हैं भगवान भक्त इसलिए मेरे इतने प्रिय है, मैंने उनका इस जगत का कोई भी वस्तु अगर देना चाहूं ना, मेरा भक्त नहीं लेता, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताबा जगदी सतामय, धन जान पुत्र परिवार भक्त कुछ नहीं चाहता है, मम जन्मन जन्मन स्वरे भवता भक्ति अहित कृतेय, केवल मेरी चरण की सेवा भक्ति चाहते हैं। कहते ननाक प्रश्नम न च पारमेष्टम न सार्वभौम न प्रसादिपत्तम, मेरे भक्त कितने बड़े हैं, स्वर्ग सुख ले लो, बोले नहीं है, बोले उससे ब्रह्म सुख को ले लो, स्वर्ग सुख से ले ब्रह्म, बोले नहीं, बोले रसातल में ज्यादा सुख उसको लो लो, बोले नहीं है, बोले पूरा विश्व ब्रह्मांड का चक्रवर्ती राजा, बोले नहीं, बोले मुक्ति सुख को ले लो है, बोले नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं मैं भक्तों को मुक्ति देने पर भी भक्त मेरी सेवा छोड़कर कुछ चाहते नहीं, इतने मेरे भक्तों की महिमा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन कहते भक्त की बात छोड़ दो, मेरे भक्तों का जो भक्त है ना, जो मेरे भक्तों का भी जो भक्त वो भी मेरा प्रिय है, हैं वो भी मेरे प्रिय है, भक्तों का जो भक्त है। इसलिए तद्वृत तद्वृत वृत वृत से वृत्त उसके बाद इति स्मरमा लोकनाथ, बोले प्रभु मेरे को आप क्या समझो, आपके नौकर का नौकर का नौकर का नौकर हम। इसलिए भगवान भक्तों कितने प्यार करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्ति रे वैव नयति, भक्ति रे वैव दर्शयति, भक्ति वस पुरुष भक्ति रे वसी। इसलिए भक्ति क्या करती है, भक्ति ही भगवान तक ले जाती है, हैं भक्ति ही भगवान को दर्शन कराती है, भक्त को द्वारा ही भगवान वशीभूत होते हैं। इसलिए दुनिया में भक्त किसकी महिमा है, भक्ति की जगत में महिमा है। इसलिए बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, बोले श्री भक्ति देवी की है। इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं विष्णु और वैष्णव, विष्णु और वैष्णव ये दोनों को आदर करनी चाहिए। इसलिए नहीं तो अर्ध कुकुट न्याय, एक न्याय है अर्ध कुकुट, अर्ध कुकुट समझते हो, अर्ध कुकुट मतलब कुकुट, कुकुट मतलब होता है मुर्गा है, मुर्गा है। इसलिए अर्ध कुकुट मतलब मुर्गा, हम तो आधा मुर्गा को मानते हो और आधा मुर्गा को नहीं मानते, मतलब कुकुट जो कुकुटी मतलब होता है मुर्गा की जो पीछे भाव का होता चाहते लेकिन सामने भाव को नहीं चाहते, मतलब क्योंकि पीछे अंडा देता है ना, मुर्गा अंडा किधर देता है, पीछे से ना आगे से, किधर देता है मुर्गा, वो पीछे देता है। इसलिए किसने पूछा भैया आप तो बोले मुर्गा का कौन सा भाग लेना चाहिए, बोले पीछे भाग, बोले क्यों, बोले अंडा देता, बोले बाहर सामने, बोले नहीं नहीं चाहता हूँ, अरे उसको सामने अगर नहीं लोगे उसको अगर खाना नहीं दोगे अंडा देगा वो, खाना खाएगा तभी तो अंडा देगा, और खाना अगर नहीं खाएगा तो फिर वो अंडा देगा कहाँ से, है अंडा कहाँ से देगा। इसलिए इसलिए आधा मुर्गा को मानूंगा और आधा नहीं मानूंगा, नहीं। इसलिए भगवान और भक्त दोनों मिलकर के हैं, दोनों को ही आदर देनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ ना बुझिया कौन कौन बुद्धि नाश, एक बंदे आर निंदे जाई पे के नाश, देखो ये जो प्यार अच्छा प्यार है। इसलिए यहाँ ना बुझिया कौन कौन बुद्धि नाश, कभी यह चीज को नहीं समझ करके किसी किसका बुद्धि नाश हो जाता है, उसका बुद्धि खराब हो जाता है, वो क्या करता है, बोले एक बंदे आर निंदे जाए वे के नाश, एक को तो वंदना करता है, किसको, भगवान को तो वंदना करता है, और को दूसरा को क्या करता है, और को निंदा करता है, और को निंदा करता है,
और एक को वंदना करता है, इसलिए क्या होगा? बोले जाई बेक नाश, उसका नाश हो जाएगा। इसलिए यहाँ उदाहरण देते हैं, अर्चयित्वा तु गोविंद, श्लोक याद है? श्लोक किसको याद है? अर्चयित्वा तु गोविंदम, इस जो श्लोक है ना, इस चैतन्य भागवत सब लिख लेना इसको, अच्छा श्लोक है। श्लोक ठीक से सब लिख नहीं पाओगे, यहीं से कोटेशन करके लिख देना, बहुत अच्छी बात है। जैसे अर्चयित्वा तु गोविंदम तत् भक्तम न अर्चत तत् न च भागवत गेय केवल दाम्भिक स्मृत, मतलब है अर्चयित्वा तु गोविंदम, जो व्यक्ति गोविंद को अर्चन करते हैं लेकिन तत् भक्तम न अर्चयित्वा तत्, लेकिन उसका भक्तों को पूजा नहीं करते हैं, है? न च भागवत गेय, वो भक्त नहीं है, भागवत नहीं, केवल दाम्भिक स्मृत, उसका अंदर में केवल दाम्भिक ही प्रकाशित तो होता है, है? उसका अंदर में दाम्भिक ही प्रकाशित तो होते हैं। हाँ, इसलिए यदि जीव के हस्ते विप्र चरण पखाले, इसलिए यहाँ पर और एक उदाहरण देते हैं, एक हस्त विप्र चरण पखाले आर हस्त ढेला मारे माथा ही कपाले। एक तरफ में तो क्या करता है, ब्राह्मणों का चरण को पूजा करता है, है? पूजा, दूसरा तरफ में क्या करता है, उसको सर पर ईंट लाकर के मारता है। एक तरफ में चरण को पूजा करता है, दूसरे तरफ में उठा करके पत्थर उठा कर सर पर मारते हैं, है? इसका मतलब है जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं लेकिन भक्तों की पूजा नहीं करते हैं, भक्तों का आदर नहीं करते हैं, कहते मानो पत्थर उठा करके भगवान के सर में पत्थर उठा करके मारते हैं। इसलिए क्या करने का, दोनों को सेवा करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं, हाँ, यहाँ पर कहते हैं जतो पाप प्रजा पीड़न है, वहां से लिख लेना, और सतो गुण पाप है वैष्णव निंदन है। देखो यहाँ पर कहते हैं, कहते जतो पाप है प्रजा पीड़न है, मतलब इसी जगत में साधारण जीव को दुख कष्ट देने पर, इसलिए हमारा धर्म क्या कहता है, हमारे धर्म कहता है एक चिट्ठी को भी मत मारो, एक चिट्ठी को भी मत मारो, सभी जीवों को पर दया करो। हमारे धर्म कहता है सभी जीवों में दया करो, किसी को कभी कोई दुख कष्ट मत दो। लेकिन यहाँ कह दे क्योंकि परमात्मा रूप में सभी का हृदय में कौन बैठे हैं, भगवान ही बैठे हैं, ठाकुर जी। इसलिए बोले जीवेर सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, हर जीव को सम्मान देना, क्योंकि हर जीव का हृदय में भगवान की निवास है, भगवान की निवास है, इसलिए सबको सम्मान देनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव को दुख देने पर जितना कष्ट लगता है लेकिन उससे 100 गुणों पाप लगता है जब हम किसी वैष्णव को निंदा करते, 100 गुणों पाप लगता है, हैं? क्योंकि वैष्णव भगवान के हृदय में, भगवान की भगवान के हृदय में वैष्णव का निवास, और वैष्णव का हृदय में भगवान का निवास, और भगवान के हृदय में वैष्णव, वैष्णव हृदय में भगवान है, इसलिए 100 गुण जाता है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, अर्चया मेव हरये जब पूजाम श्रद्धयते न तद् भक्तस्य चान्यसु स भक्त प्राकृत स्मृत, है? इसलिए बोले अर्चया मेव हरये जब पूजाम श्रद्धयते, जो श्रद्धा पूर्वक अर्चा मूर्ति को जो पूजा करते हैं, अर्चा विग्रह को, लेकिन न तद् भक्तस्य चान्यसु, लेकिन वो उनका भक्तों को आदर नहीं करते हैं, न तद् भक्त स भक्त प्राकृत स्मृत, उसको क्या बताऊं, उनको प्राकृत कनिष्ठ भक्त उनको बताया गया, कहते श्रेष्ठ भक्त मध्यम भक्त किसको कहते हैं, बोले भगवान को जितने प्रीति है उससे ज्यादा प्रीति किसको अंदर में है, उसका ज्यादा प्रीति भक्त में, भगवान से भी ज्यादा प्रीति भक्त में होनी चाहिए, ये मध्यम भक्त हैं। इसलिए यहाँ पर कहते जो ही भागवतम लोकम उपासतम निपातम करोति तस्य नाशन्ति अर्थ जस जस सुता, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को अनादर करते हैं, हैं? भक्तों को अनादर करते हैं लेकिन भगवान को तो उपासना करते हैं, लेकिन भक्तों को अनादर करते हैं, उसको क्या होता है, तस्य नाशन्ति, उसको नाश हो जाता है, क्या अर्थ धर्म जस सुत परिवार, उसको सबके सब नाश हो जाता है, सबके साथ नाश हो जाता है। इसलिए बोले निंदा कुर्बन्ति जे मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मनाम
पतंति पृथ्वी श्राधम महारौरव संगीत। हाँ, यहाँ कह रहे हैं बोले निंदा कर बद्ध जे बूढ़ा, बोले जो बूढ़ा व्यक्ति वैष्णव को निंदा करते हैं, वैष्णव नाम महात्मा नाम महान आत्मा वैष्णव को निंदा करते हैं, उसको क्या होता? बोले पतंति, उसका तो पतन होता है, लेकिन उसका पितृलोक मतलब कितना खतरनाक है। कहते पतंति पितृ भी श्राधम महारौरव संगीतम, इसलिए पितृलोक से भी उनका पतन होता है, उनका पितृलोक भी पतन होता है और महारौरव को गमन करते हैं। उसके लिए एक अलग नरक है जो वहां रौरव नरक में जाते हैं। इसलिए बोले थे हंती निंदंती वैदिष्टि वैष्णवा नाम जे अभिनिंदंती क्रुद्धते जाति न हर्ष दर्शने पतनानिसर। छह व्यक्तियों का पतन होता है। किसको किसको? हंती जो वैष्णव को मारते हैं, निंदंती जो वैष्णव को निंदा करते हैं, वैद्वेष्टि जो वैष्णव को विद्वेष करते हैं, वैष्णवा नाम जो अभिनिंदति वैष्णव आने पर उनको जो अभिनंदन नहीं करते हैं, क्रुद्धते वैष्णव को फिर में जो क्रोध करते हैं, मतलब जाति न हर्ष मतलब उनको देख करके जो खुश नहीं होते। फिर क्या करनी चाहिए वैष्णव को देख करके? चार मिले चौसठी ही ले, उसके बाद बोला दस रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले वहां से एक करोड़ है, इसको याद रख लेना। क्या चार मिले चौसठी किले? चार मिले मतलब एक वैष्णव जब दूसरे वैष्णव का दर्शन करते हैं, इनका दो आंखें उनका भी दो आंखें, कितना हो गया? चार, बोले चौसठी किले। उसके बाद में क्या होता है? एक वैष्णव जब दूसरे को देखते हैं चौसठ मठे वाला हमारे बत्तीस दांत, उसका भी बत्तीस दांत है, हमारे बत्तीस दांत और उनका भी वैष्णव, उनका भी कितना दांत है? बत्तीस दांत, चौसठी किले, मतलब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, अरे अहो भाग्य आज हमारी वैष्णव दर्शन मिला है। और दस रहे कर जोड़, हाँ बीस रहे कर जोड़, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को प्रणाम करते हैं, हमारे भी दस अंगुल उनका भी दस अंगुल, दोनों दोनों को प्रणाम करते हैं, हैं इसलिए बीस रहे कर जोड़, हैं हरिजन से हरिजन मिले वहाँ से एक करोड़, जब एक भक्त दूसरे भक्तों से मिलते हैं वहां से एक करोड़, एक करोड़ मतलब कहते हमारी शरीर में पचास है, पचास लाख हमारी अंदर में रोमावली, उसका अंदर में पचास लाख, पास हमारे लोग रोम रोम खिल उठता है, वैष्णव वैष्णव दर्शन करने से रोम रोम खिल उठता है, हाँ प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वहां से एक करोड़। इसलिए यहाँ कह रहे हैं वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखकर प्रसन्न होनी चाहिए, खुश होनी चाहिए, आज हमारी वैष्णव दर्शन हुआ है, है? इसलिए यहाँ पर यहाँ प्रभुपाद यहाँ पर बहुत शास्त्रों से श्लोकों को उद्धृत करते हुए कहते हैं कैसे हमें वैष्णव का आदर करनी चाहिए, कभी वैष्णव को अनादर नहीं करो, जैसे भगवान को जैसे आदर करते उससे ज्यादा वैष्णव का आदर करो, क्यों? वैष्णव का हृदय में भगवान का निवास, जब कोई वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी अपने आप खुश हो जाते हैं। इसलिए बोला श्री भक्तवत्सल भगवान की, सपरिकर गौर हरि की, बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे
जय गौर प्रेमानंद।